हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी हैव BPCS 188 एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है सोशल साइकोलॉजी की। मार्क्स आपका होंगे 50 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स। तो ये क्वेश्चन जो होगा 50 आवर्स का होगा और इसकी ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स, ठीक है। तो आपके में आएंगे जो एग्जाम जो क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के आएंगे। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है। कुछ डेफिनेशंस आ जाती है बस एज एन शॉर्ट नोट में आ जाती है, तो आपको 5-5 मार्क्स ही आ जाएगी, 10 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। तो वो डेफिनेशंस भी आपको इतनी लिखनी है, एटलीस्ट 1 पेज, जो आपको 5 पेज उसमें से 5 मार्क्स उसमें से मिलेंगे। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल साइकोलॉजी अप्लाइज साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड अदर साइंसेज। देन इसमें आपके पॉइंट्स है बेसिक सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च मेथड इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, दैट इज टेक्निक्स ऑफ फील्ड रिसर्च, सर्वे रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड रिसर्च। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एटीट्यूड एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप प्रोसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ। यूनिट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस। यूनिट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, सोशल प्रॉब्लम्स विद रेफरेंस टू इंडिया। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 17, बायो साइको सोशल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18, हेल्थ बिलीफ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन स्ट्रेस एंड कोपिंग। यूनिट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सिम्टम्स, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। यूनिट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 22, साइकोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 23, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यूनिट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 24, इट्स यूनिट नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, इफेक्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सोशल डायलेमा। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 26, जॉब इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 27, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। यूनिट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 28, रिलेवेंस ऑफ टीम डायनामिक्स इन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29, इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑन परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 30, इम्पोर्टेंस ऑफ कोच एथलीट। सो हेयर आर द टॉपिक्स ऑफ योर BPCS 188 एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और यू कैन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, एंड दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो काइंडली लर्न दैम, ओके। तो आपको ये सब करना है अपने एग्जाम में अच्छे से, आपको अपना एग्जाम लिखना है। 50 मार्क्स का होगा तो इजी है आपके लिए ये करना, ये सब्जेक्ट भी इजी है, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अगर आपने साइकोलॉजी पहले पढ़ी है, और ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो अच्छे से आप लिखिए। आपको पता ही है साइकोलॉजी के आंसर पॉइंट वाइज लिखने हैं, ब्लैक ब्लू पेन से आपको यूज करना है, प्रॉपर विद हेडिंग पॉइंट्स होने चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो ये आता आज की वीडियो में। प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।